ब्यूटीफुल पीपल, की हालचाल, सत श्री अकाल, कैसे आप लोग? होप करते हैं गाइस कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खाते पीते होंगे। सो फिर से एक नए दिन की शुरुआत करते हैं नए अपडेट के साथ। सो आज का जो अपडेट होने वाला है, बीपुर से जो फ्लैट मधेपुरा, मतलब भागलपुर से मधेपुरा जो ब्रिज बन रही है कोसी पे, इसका भी एक ब्लॉग आ चुका है, जिसको डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देंगे, तो आप लोग प्लीज़ चेकआउट करिएगा। और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे बोर्ड वगैरह सब जो लगा हुआ है, इसका डिटेल अभी बैक कैमरे से आप लोग को हम अभी दिखा देंगे। सो आज जो होने वाला है NH 106 का भी अपडेट होगा, और कोसी पे जो ब्रिज बन रही है उसका भी साथ साथ अपडेट होने वाला है। और सुनने में आ रहा है कि कोसी नदी पे जो जल स्तर है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, तो देखते हैं कि कहाँ तक हम लोग आज अंदर जा सकते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं। गाइस देख पा रहे होंगे यहाँ पे सारा ब्यौरा जो है वो दिया गया है, न्यू 4 लाइन ब्रिज देख पा रहे होंगे कोसी रिवर पे बनाया गया है, और NH 106 जो है इसी को कहा जाता है। और अपडेट जो होगा गाइस वो NH 106 और ब्रिज दोनों को साथ साथ लेके चलने वाले हैं। और मेरे बगल में जो अभी आप देख पा रहे होंगे वो जो दिख रहा है, जो कि आसाम रोड उसे कहा जाता है, देख पा रहे होंगे तो 31 से जो आसाम रोड है वहाँ से ही NH 106 को निकाला गया है। हालांकि ये पहले से ही रोड है, पर इसका जो शुद्धिकरण का काम है वो बहुत दिनों से चल रहा है, तो इसका भी बहुत सारा फंडा वगैरह सब है। वो आप गाइस देख पा रहे होंगे कि NH 106 का क्या हाल है। यहाँ पे आप लोग को पिचिंग जो है वो दिख जाएगा, पर बहुत ही छोटा, मतलब गली जैसा जो है वो पिचिंग आप लोग को दिखेगा। तो हालांकि इसे जो है 4 लाइन में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो जिस कारण से अभी कंस्ट्रक्शन मतलब तैयारी में है, तो जहां तक आप लोग को टूटा हुआ सब नज़र आ जाएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं गाइस आगे, और आगे चलते हुए देखते हैं, देख पा रहूँगा यहाँ पे जो है ये अंडर पासिंग मतलब बनाया जा रहा है, पुल भी है और अंडर पासिंग भी है। तो देख पा रहूँगे एक लाइन का जो पुल है वो तैयार कर लिया गया है, दूसरे लाइन अब तैयार किया जाएगा। हालांकि पहले इसे नहीं तोड़ा जाएगा, अभी देख पा रहूँगे इधर गाछ वगैरह सब जो है वो काट के हटा दिया गया है। अब जो है इस पर मट्टी भरिया होगा, उसके बाद ही इधर को बनाया जाएगा एक लाइन को, मतलब पहले एक लाइन को बनाया जाता है फिर दूसरे लाइन को बनाया जाता है। इससे ये होता है कि ट्रैफिक जो है वो बंद नहीं होती है, क्योंकि अंदर जो है काम अच्छा खासा ब्रिज का हो रहा है, तो उसमें बालू हो गया, छर्री हो गया, सीमेंट वगैरह सब बहुत सारा एसेसरी हो गया जो लगती है, तो जिस कारण से इधर से ही जाता है। तो देख पा रहे होंगे 4 व्हीलर वगैरह सब जो है वो भी अंदर जाती है। अच्छा खासा गांव है गाइस, तो इधर से आप फ्लोट भी जा सकते हैं। अगर कोसी नदी पे बाढ़ नहीं आई है, या पानी का जो लेवल है वो ऊपर नहीं हुआ है, तो जा सकते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं आप लोगों से आगे। तो गाइस जैसा कि हम आप लोग को बताएं कि पहले एक लाइन को तैयार किया जाता है, उसके बाद दूसरे लाइन को तैयार किया जाता है। देख पा रहे होंगे पहले लाइन का जो है वो मिट्टी जो है, जैसा कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सारे जानते होंगे कि अप्रोच पथ जो बनाया जाता है उसको लेवल बाय लेवल बनाया जाता है। पहले 5 फीट का जो मिट्टी है उसे डाल के दाब दिया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल को किया जाता है। तो देख पा रहे होंगे लेवल बाय लेवल जो है मिट्टी भरने का काम वो गाइस किया जा रहा है। तो चलिए गाइस आगे मिलते हैं। ये लेवल बाय लेवल बनाया जा रहा है, देख रहे होंगे यहाँ पे भी आप लोग को दिख जाएगा कि एक साइड का जो है वो बना दिया गया है, दूसरे साइड अभी नहीं बनाया गया। बस मेरा जो मोटिव है आप लोग को समझाने का, बस यही है कि पहले एक साइड बनाया जाएगा, उसके बाद दूसरे साइड बनाया जाएगा। सो गाइस देख पा रहे होंगे कि आप लोग को अच्छा खासा काम जो है वो देखने को मिल जाएगा। देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा चोड़िया जो है वो हो चुका है। तो इसका रीज़न क्या है कि हम लोग पिछले बार जो आए थे तो सिर्फ ये जो लाइन है, ये जो देख रहे हैं यही लाइन बना हुआ था, और दोनों साइड जो है कंस्ट्रक्शन का काम, मिट्टी भरने का जो काम था वो हो ही रहा था। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि 4 लाइन का जो लुक है, जो देखने लायक रहेगा, वो धीरे धीरे ढलना स्टार्ट हो चुका है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 4 लाइन के रूप में ढलना स्टार्ट हो चुका है। देख पा रहे होंगे दोनों साइड अच्छा खासा मिट्टी जो है वो भर भी दिया गया है। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आप लोग को एक गोल जैसा स्ट्रक्चर दिख जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे रखा गया है। अब जो यहाँ पाइलिंग किया जाएगा, खुदाई किया जाएगा, किस लिए? तो यहाँ पे जो है पिलर आने वाला है, तो पिलर के जगह पे स्ट्रक्चर रख दिया गया है, अब इस पर पाइलिंग किया जाएगा। उसके बाद आप आगे की ओर देख रहे होंगे कि वहाँ पर जो है स्ट्रक्चर का ढांचा जो है रखा गया है, पाइलिंग स्टार्ट भी हो चुका है। देख पा रहे होंगे क्रेन जो है वो आ भी चुका है, तो
पाइलिंग का जो स्थिति है वो वहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा, अच्छा खासा दिख रहा है। तो चलिए गाइस हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो गाइस देख पा रहे होंगे कि अभी हम लोग कोसी नदी जो है वहाँ उसी के किनारे आके खड़े हो चुके हैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा गाइस काम हुआ है। और हम लोग पिछले बार आए थे तो इस साइड जो आप देख पा रहे हैं ये रास्ता चालू था, तो हम लोग बाइक से अच्छा खासा अंदर जो है वो चले गए थे। तो इस बार तो गाइस हम लोग अंदर नहीं जा पाएंगे, देख पा रहे होंगे तो नाव वगैरह सब चलने का बात है, तो वो भी अभी गाइस नहीं चल रही है, देख पा रहे होंगे। तो जो भी है कंपनी का ही नाव चलता है, तो देखते हैं अगर बाइक जाने का कोई व्यवस्था होगा तो हम लोग चलेंगे। हालांकि चलिए हम लोग देखते हैं कि काम कितना हुआ है, देख पा रहे होंगे एक पिलर पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे अच्छा खासा काम जो है वो किया जा रहा है। अगले पिलर पे देख पा रहे होंगे तो वो करीब करीब जो है 2 से 2.5 फीट बचा हुआ है, वो भी डूबने से, देख पा रहे होंगे। और अगला जो है पिलर वो भी कंप्लीट ही है, देख पा रहे होंगे। होप करते हैं कि क्वालिटी थोड़ा सा बढ़िया आ जाए, देख पा रहे होंगे अच्छा खासा जूम किए हुए हैं गाइस, देख रहे होंगे कितना ज़्यादा काम हो चुका है। मेरे ख्याल से पिछले बार जो हम लोग आए थे तो उसके अकॉर्डिंग जो है इस बार काम जो है वो बहुत ही कम किया गया है। और हम लोग मान सकते हैं कि जब नदी में पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ने से वाजिब में जो है वो काम जो है स्लो हो जाती है। हम लोग नेक्स्ट ब्लॉक जो है वो मधेपुरा होके हम लोग लाएंगे, कोशिश रहेगा कि हम लोग उधर से ले आएँ। और अगर बात किया जाए इधर से तो इधर भी देख पा रहे होंगे ज़मीन पे जो है पिलर उसका भी देख पा रहे होंगे अच्छा खासा काम कर लिया गया है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई इस सीज़न जो है काम अब नहीं होने वाला है, जब तक पूरा जो है सीज़न ख़त्म नहीं होगा बारिश का तब तक कोई उपाय ही नहीं है। देख रहे होंगे भाई साहब, हम तो विश्वास नहीं किए थे कि दो महीना के बाद हम लोग आएंगे तो इतना ही काम हम लोग को देखने को गाइस मिलेगा। इससे ज़्यादा फास्ट जो है वो सिमरिया गंगा ब्रिज जो है, अंटा सिमरिया गंगा ब्रिज जो है उसमें काम हो रहा है, इससे भी ज़्यादा फास्ट गंगा नदी पे जितने भी काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का पुल हो गया या और भी कुछ, तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से किया जाता है। पर कोसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा गंगा में काम हो रहा है। कोसी में अब क्या बात है, क्यों नहीं किया जा रहा है, भगवान ही जाने। देख रहे हैं गैस की अंदर जो है काम, जो लास्ट पिलर आप लोग को दिख रहा होगा वीडियो में, तो उस पर भी अभी काम हो रहा है पर बहुत ही स्लो हो चुका है। देख रहे होंगे एक वहाँ पे काम हो रहा है उस पिलर पे और एक काम हो रहा है इस पिलर पे, तो देख रहे होंगे। और बीच में जितना भी पिलर है उसमें काम नहीं हो रहा है, लेकिन पिछले बार जो हम लोग आए थे तो हर पिलर पे काम हो रहा था, अभी बंद कर दिया गया है। और कारण क्या है, कारण है वो जलस्तर, उसी का बहुत ही तेज़ी से जलस्तर बढ़ती भी है और बहुत ही तेज़ी से घटती भी है, तो इसका कोई भी तरह का हम लोग ठोस प्रूफ नहीं दे पाएंगे कब बढ़ेगी कब। देख रहे होंगे गाइस कि बिना कुछ सेफ्टी का ही लेबर काम कर रहे हैं। तो गाइस अभी जो आप देख पा रहे होंगे कि क्रेन वगैरह सब जो है वो काम कर रही है, तो इसका रीजन बताते हैं। एक पिलर यहाँ पे भी दिया गया था, तो जैसे कि अभी आप ये रस्सी जो देख पा रहे होंगे जो बंधा हुआ है इस गाछ में, तो इसी तरीका से 6-7 केबल इधर बंधा हुआ था और 6-7 केबल उधर को बंधा हुआ था, तो जिस कारण से जो है 23 मीटर गहरा है इस जगह पे मेन धारे कोसी का। तो यहाँ पे ये 2 पिलर बनाया गया था जिसमें से एक पिलर जो है वो गिर चुका है, मतलब पानी में टूट चुका है। उसका कारण क्या है कि मान लेते हैं ये ज़मीन है, तो ज़मीन के ऊपर ही पिलर 10-12 फीट के ऊपर ही रखा हुआ था, मतलब झूल रहा था, तो जिस कारण से जब रेत आई, जब पानी छोड़ा गया नेपाल से, तो उस ढेव में ही जो पिलर है वो टूट के गिर चुका है। तो उसी का देख पा रहे होंगे जाँच पड़ताल चल रहा है और कोशिश किया जा रहा है कि पिलर को खोज लिया जाए। घटना घट चुका था 1 मंथ पहले ही, और तब से ही इसका जो है छानबीन चल रहा है और अभी तक जो है वो ऊपर नहीं हो पाया, मतलब नहीं मिल पाया। सो होप करते हैं इसकी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो प्यार सा लाइक कमेंट शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे ऐसा एक मस्त वीडियो में मस्त अपडेट के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद।